गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल, हूँ मैं पहाड़ से। तो कैसे सब सफाई, आप सब अच्छे होंगे। और आज देख सकते हैं आप बारिश का मौसम जो है वो बड़ा ही, वैसे सुहाना तो हो रखा है पर ये है कि ठंड भी कम हो गई बारिश की वजह से ना। पर अभी एक दो दिन बता रखी है बारिश, और अभी भी बूंदाबांदी हो ही रही है सुबह से। कल भी हो रही थी और आज भी हो रही है, और शायद कल परसों तक भी बता रखी है बारिश। तो सबसे पहले तो आपको 2022 की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी ओर से, जो मेरी भी मेरी यूट्यूब फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन्हें। और मैं आ रखी हूँ वैसे हरिद्वार, तो मैं न्यू ईयर का ब्लॉग नहीं बना पाई, तो इसके लिए मुझे खेद है। तो और मैं, ये रही मेरी मौसी, वैसे मौसी लगेगी ये, अब बता कैसे लगेगी तू मौसी मेरी। बिकॉज ऑफ जो उसकी मम्मी है वो मेरी ताई जी की बेटी हैं, तो इसलिए मैं उसकी मौसी लगूंगी। पर है ये मुझसे छोटी, अभी 11th में है, तो ये रहता है कि ना नाता बड़ा रहता है, तो इसलिए। पर कहती मैं इसे सिस्टर ही हूँ, यही मुझे सिस्टर ही कहती है। तो अब आज हम जा रहे हैं, पहले मैं इनके यहाँ थी 2-4 दिन, तो उसके बाद आज मैं जा रही हूँ सुभाष नगर, यहीं हरिद्वार में मेरे मौसा जी रहते हैं, तो वहाँ उनके यहाँ जा रही हूँ मैं। तो अभी टाइम हो रहा है कितना, 4:10 हो रहे हैं अभी, तो देखते हैं। बारिश, सुबह से ही बारिश ने ऐसा कर रखा है ना, दिमाग ख़राब। अब देखते हैं। अब वैसे हमें एक बार जा रहे थे, हम पिछले न्यू ईयर पे जा रहे थे सुभाष नगर हम, तो अब तो हम भूल भी गए कहाँ है, पर आज देखते हैं खुद ही जा लेते हैं, क्योंकि मौसा जी भी ड्यूटी है, और देखते हैं फिर। तो ये रहा जवान नवोदय विद्यालय रोशनाबाद, और आगे इसके पड़ता है, क्या पड़ता है वो कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज पड़ता है। हाँ, वहाँ मेरी एक फ्रेंड पढ़ती है, A&M करती है वहाँ से। और ये जो आपको वाइट कलर की इधर बिल्डिंग दिख रही है, ये पुलिस लाइन, यहाँ मतलब ये पुलिस वालों के बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, स्कूल भी है वहाँ अच्छी। तो और ये रहा वो नर्सिंग कॉलेज रोशनाबाद में। और काफ़ी हवा भी चल रही है, ठंडा भी लग रहा है। CMO ऑफिस, तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं हरिद्वार में, मतलब सिडगुल, वो यहीं है रोशनाबाद में ही है। और ये देख सकते हैं आप, बारिश बंद हो चुकी है। और ये रही हीरो की कंपनी, तो यहाँ स्कूटी वगैरह बनती है, स्कूटी बाइक वगैरह मतलब सब बनती है, जिनके हम यहाँ जा रहे हैं मौसा और के यहाँ। तो मेरे मौसा भी यही करते हैं जॉब हीरो में, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये भी। यहाँ का पेंटागन मॉल, तो न्यू ईयर में हम यही गए थे, इतनी भीड़ लगी थी ना न्यू ईयर को, यहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी, 3 गेट है यहाँ के भी। और उस दिन लगी थी पुष्पा, जो मूवी आ रखी है नई साउथ की, वो लगी थी यहाँ। तो मूवी तो नहीं देखी हमने, पर ऐसे ही घूमे, पर काफ़ी भीड़ थी उस दिन, क्योंकि यहाँ शायद हरिद्वार में एक ही मॉल है ना, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ये सेक्टर 4 में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आप ट्रैफिक देख सकते हैं, तो क्योंकि जो कंपनियां हैं उनकी छुट्टी हो गई है, लगभग सभी कंपनियों की हो गई, तो इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है। और यहाँ आगे, यहाँ चालान भी कट रहा है आगे, और ये रहा इधर दिख नहीं रहा क्योंकि झाड़ियाँ बहुत रखी है, कौन सा पार्क है, स्वर्ण जयंती पार्क। तो अब यहाँ से जो है वो हम ई रिक्शा पकड़ते हैं सुभाष नगर के लिए, तो देखते हैं। नगर पहुँच चुके हैं, तो ये आप पीछे सुभाष नगर का ये मार्केट देख सकते हैं, तो दोनों अगल बगल जो है वो है, तो बारिश भी लगी हुई है एकदम। और मास्क से, वैसे मास्क कोरोना से तो ठीक ही है, खैर बचाव है ही, पर ठंड से भी, आधी ठंड भी मास्क से बच रही है। तो अब हम रास्ता भटक चुके हैं हमें याद नहीं आ रहा कि कौन सी गली थी, पर कोई नहीं, जा लेंगे, मिल ही जाएगी, भूलते भटकते पहुंच ही जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, पता चल गया ये वाली गली, ये वाली आगे वाली, ये वाली है, हाँ हाँ ये वाली है, क्योंकि मौसम ने कहा था कि ट्रांसफार्मर तुम्हें दिख जाएगा, तो यहाँ से अंदर को चले जाना, फिर देखते हैं ये वाली गली है कि नहीं है, या फिर किसी और के घर में जाते हैं, कोई नहीं, बोल देंगे तुम्हारे वो वाले मेहमान है तुम्हारे नानी के चाचा के दादा के दूर वाला रिश्ता लगा देंगे। हम पहुंच चुके हैं सही जगह तो क्या बात, मोटी को याद था यार, देखा मेरी साफ माइंड का काम, वही तो लॉन्ग।
वाह देखो क्या टैलेंट है, लगता है पहले जमाने में चोर थी। चोर थी, ये मैंने पहले भी किया हुआ है, ऋषिकेश में किया हुआ है, तो ये मुझे याद है कि कभी यहाँ से तो खुले ना तो इधर से नीचे से खोल लेना। चोर थी लगता है पहले जमाने में। चलो ये रहे मेरे मौसा जी आ गए ड्यूटी से, और ये जानवी हाय कर दे किट्टू, हाय कर। और ये किट्टू और जानवी जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और ये बैठिए इधर। तो ये हमारी शर्मा स्याली, ये जीजा और स्याली है, और किट्टू भी बोलता है कि पापा की स्याली। किट्टू कौन है? पापा की स्याली। मैं कौन हूँ? दीदी। दीदी, अच्छा किट्टू आएगा हमारे साथ, आएगा ना, आएगा हमारे साथ किट्टू को, अब हमने वहीं ले जाना है किट्टू, चलोगे ना? नहीं स्याली मुखड़ी की तरफ स्याली, अरे ये स्याली मुखड़ी आ चाहिए यार, स्याली तो आनी नहीं होना, जीजा तो दिखाओ बस। स्याली तरफ करो, स्याली तरफ घुमाओ, स्याली तरफ घुमाओ, स्याली को क्या देखना, जीजा को दिखाओ भाई। जीजा यार स्याली की कॉमेडी हो रही है यहाँ पर खतरनाक वाली, रात तब स्याली के बाने पर जीजा को अंडकड़ी अंडकड़ी हाथ दिखे जाल तो क्या कनबड़ स्याली कंडकड़ी जीजा तो पसंद आन चीके नहीं आंदी स्याली का सबोर रोटी पड़ता चीके क्या पड़ता है या गर्दा चीन या गर्दा चीन दिखे जाल तो आज आज पर के जान आज ये ब्लॉग द्वारा दिखे जाल की आज पर डालो। वैसे भी मोमोज के लिए फेमस हो चुकी हूं, और कल स्याली का खाए मोमोज, स्याली मोमोज कल बनाएगी ना, हां कल बनाएगी तो ठीक है। फटाफट लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो है। हाँ अच्छा घड़ी तैयार हो चुका है स्याली का, तो जीजा जी खा रहे हैं। बहुत अच्छे बने हैं निकाले, अच्छी अच्छे बड़े ही हैं। रोटी मेर बड़े आमोस जी, रोटी तारीफ तो करना ही नहीं चाहिए, रोटी भी तो अच्छा बने है ना। हाँ स्याली खा ले यार, ये किट्टू खा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर बिंदी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।